हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके कार्ड गेम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पार्ट के लिए कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करने के टाइम आपको मैं कुछ स्पेशल टूल सिखाऊंगा, जिसमें आपको कोर कैविटी सरफेस एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्लाइडर के फेसेस अंडरकट कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, मोल्ड विजार्ड कैसे यूज किया जाता है, यह सब सिखाऊंगा। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको उसको स्किप मत करिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि छोटा से छोटा वीडियो बना के इसको एक्सट्रैक्ट करें, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आपके कुछ क्वेरीज है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ZW3D में हम लोग मोल्ड विजार्ड यूज करेंगे। तो फ्रेंड, स्क्रीन पे ये दिया गया पार्ट है मेरा, थोड़ा क्रिटिकल है। इसमें बहुत सारे फेसेस ऐसे कि जो कोर में भी आते हैं और कैविटी में भी आते हैं, तो ये एनालिसिस कैसे करेंगे, उस फेसेस को हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे ऑटो, ये सब टूल्स हम लोग आज सीखेंगे। तो फिर अब फर्स्ट पार्ट इन करने के बाद पहला स्टेप रहेगा, इस पार्ट को मैं ओरिएंट कर लूँ। अभी देखिए दोस्तों, मैंने टॉप व्यू सिलेक्ट किया है। टॉप व्यू में मुझे दिख रहा है कि ये पार्ट कुछ इस तरीके से है, ओरिएंटेड है। आइसोमेट्रिक व्यू में देखता हूँ यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि ये पार्ट अच्छी तरीके से ओरिएंटेड है। और बॉटम व्यू एक बार चेक करेंगे, तो बॉटम व्यू में भी काफ़ी सारी रिब्स मुझे दोनों साइड से दिख रही है, जैसे कि ये फेस और अपोजिट साइड का फेस। तो पार्ट लगभग ओरिएंटेड है, हमें इसको ओरिएंट या अलाइन करने का जरूरत नहीं। अगर अलाइन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हो, तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम लोगों ने कवर करके पार्ट है जिसको अलाइन करते हुए दिखाया है। फर्दर आपको अलाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है, इस पार्ट को ओरिएंटेड है या नहीं है चेक करने के लिए और एक टूल है, जो है अंडरकट एनालिसिस। तो हम लोगों को इंक्वायर टैब में जाके अंडरकट एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप जेड डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ ओके क्लिक करना है। तो आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर ये जो पार्ट ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो मेरा कैविटी रीजन है, और रेड कलर का एरिया कोर रीजन है, और जो भी बाकी के फेसेस है ब्लू कलर, वो है अंडरकट। अंडरकट इसके लिए कि वो जेड डायरेक्शन में रिलीज, अगर हम लोग पार्ट इजेक्ट करेंगे तो रिलीज नहीं होंगे। कुछ बाकी फेसेस है जिसका अगर आप ड्राफ्ट चेक करना चाहते हो, तो यहाँ ब्राउज एंगल करके ऑप्शन है, इसमें क्लिक करो विंडो में आप, और मॉडल के ऊपर जिस कर्सर आपको घुमाना है, तो आपको उस फेस में कितना ड्राफ्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मेरा पार्किंग बनने वाला है, और यहाँ की मेरा रेड और ग्रीन कलर का फेसेस जो भी एजेस मैच हो रहे, वहां मेरा पार्किंग सरफेस बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सिंगल फेसेस है, बट वो कोर और कैविटी दोनों साइड में स्प्लिट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे फेसेस को हम लोगों को पहले से स्प्लिट करके लेना पड़ता है, अदरवाइज वो या तो कोर में कंसीडर किए जाएंगे या तो कैविटी में। मैं इसको इस एनालिसिस को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, और आपको इस फेसेस के लिए कैसे स्प्लिट किया जाता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये मैं एनालिसिस मोड से बाहर आया, वापस एनालिसिस मोड में जाता हूँ। ये सिंगल फेस है, बट कोर में भी है और कैविटी में भी है। तो ऐसे फेसेस के लिए हम लोग को स्पेशल एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आइसोलाइन है या तो शाउलेटेड है, लेकिन उसको यूज कैसे किया जाता है मैं आपको मोल्ड विजार्ड में एक्सप्लेन करूंगा। आप बने रहिए और आपके कमेंट मुझे शेयर कीजिए। तो मैं यहां से मोल्ड ऑप्शन में जाऊंगा, और सबसे पहले मैं रीजन एनालिसिस करता हूं। रीजन एनालिसिस के टाइम मुझे ये शेप सिलेक्ट करना है जो डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया, कैलकुलेशंस के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे फेसेस है और सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है वो कैविटी में जा रहा है या कोर में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 920 फेसेस सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिए और वो जा रहे हैं 920 फेसेस कैविटी में। कुछ फेसेस क्रॉस फेसेस है, क्रॉस फेसेस इन द सेंस ना वो ना जाते हैं कैविटी में ना जाते हैं कोर में। कुछ अननोन फेसेस है जो सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो कौन सी रीजन में डालने हैं, तो ये अननोन फेसेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ और उनको मैं कोर रीजन में शिफ्ट कर देता हूँ। बाकी के कुछ क्रॉस फेसेस है, तो क्रॉस फेसेस जो दिख रहा है ब्लू कलर के फेसेस के बाजू में उसको तो हम लोग सिलेक्ट करके, जैसे कि ये है विंडो सिलेक्ट किया मैंने, पूरे फेसेस सिलेक्ट हुए, मैं वापस कैंसिल करता हूँ, उनको डिसिलेक्ट करता हूँ। स्किप किया मैंने, वापस मैं जाऊंगा रीजन एनालिसिस कैलकुलेट्स। तो जो अननोन फेसेस है वो फेसेस आधे कोर और आधे कैविटी में जा रहे थे, तो मुझे उसके लिए और उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट फेस करके, जो आपको मिलेगा रीजन एनालिसिस की विंडो में। तो स्प्लिट फेसेस के ऊपर जाएंगे, देन आपको ये फेसेस सिलेक्ट करने हैं। सभी फेसेस आपको सिलेक्ट करने हैं, ऐसा कोई भी फेस नहीं होना चाहिए कि जो आप सिलेक्ट नहीं किए तो फिर कोई फेस छूट जाएगा तो फिर कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो जूम करके आपको अच्छे से उसको सिलेक्ट करना, देन यहाँ स्प्लिट करने के लिए शाउलेट फेस, शाउलेट सिलेक्टेड फेस, फेस डेटम, तीन ऑप्शन है, आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और डायरेक्शन में आपको जेड देना है जो कि आपका ड्रॉ डायरेक्शन है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करते हो तो ये फेसेस आपको डिवाइड होके मिलेगी, आप देख सकते हो या ये फेसेस स्प्लिट होके मिल गए, डिवाइड होगी। अभी सॉफ्टवेयर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है ये कि कहाँ जानी है, कोर में जानी है या कैविटी में जानी है। सेम फॉर अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड के फेसेस के लिए हम लोग करेंगे फेस सिलेक्ट द फेसेस फर्स्ट। जो भी शाइन कलर की फेसेस है हमें नोट करना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, अगर वो कोर में और कैविटी में डिफॉल्ट जा रही है तो हमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोगों को डेफिनेटली उस फेसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ एरर क्रिएटिंग अ फीचर स्प्लिट फेस करके एरर आया, तो कुछ फेसेस हो गए और कुछ में प्रॉब्लम आए, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी फेस में प्रॉब्लम आ गया। ऑलमोस्ट सभी फेसेस में प्रॉब्लम आया है तो हम लोग इसमें चेक करते हैं। यहाँ कुछ डुप्लीकेट बॉडीज बन गई हैं, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ जेड डायरेक्शन सिलेक्ट करके, ये फेसेस मेरे स्प्लिट हो गए हैं। देन नेक्स्ट आगे के कुछ फेसेस है, कभी कभी कोई फेसेस में डिफिकल्टीज रहती है, मॉडल एरर रहता है, तो वहां पे एक्सट्रैक्शन होता नहीं या स्प्लिट होता नहीं। अभी मैं इसमें ट्राई करता हूँ, मैं भी यही फेस में प्रॉब्लम था और इसमें हम लोग ट्राई करेंगे, इसमें नहीं हो रहा है, हम लोग अलग मेथड यूज करेंगे फेस और डेटम प्लेन। तो यहाँ से हम लोग डेटम प्लेन प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट देना है और ये डेटम प्लेन मैंने डाल दिया, इसको ओके करना है। तो प्लेन के साथ ट्राई करते हैं, हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये सभी फेसेस स्प्लिट करके ले ली। अभी मुझे वापस रीजन एनालिसिस में आना है, अभी क्रॉस फेसेस बस मेरी इतनी है, 43 क्रॉस फेसेस है
इसको मैं कोर साइड में डिफाइन डाल देता हूँ। कुछ फेसेस है यहाँ पे जो कैविटी के कलर में, तो मुझे यहाँ से इन ऑप्शन सिलेक्ट करके विंडो सिलेक्शन करके उन फेसेस को कोर में शिफ्ट करना है। देन यहाँ कुछ अननोन फेसेस है तो वो फेसेस मुझे शिफ्ट करनी है। पहले तो मैं कैविटी में शिफ्ट करूंगा ऊपर वाली फेसेस, और जो रिमेनिंग रहेगी उन सबको मैं कोर में डाल दूंगा। हर एक फेस आपको चेक करनी है, कोई भी फेस को छोड़ना नहीं है। सेम फॉर ऑपोजिट साइड। अगर पार्ट का प्रोफाइल 3D रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, तो आपको मोल्ड विजार्ड के साथ अगर आपको कोर कैविटी बनाना है तो ये स्प्लिट शेप वाला जो ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर ऑटोमोटिव के टूल्स रहते हैं उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा मिलती है। अभी अननोन फेसेस है 29, और 29 फेसेस है जिनको मैं कोर साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो देखिए बड़ी आसानी से मैंने ये फेसेस स्प्लिट कर दी और डिफाइन भी कर दिया कि ये जानी कहाँ है, कोर में जानी है या कैविटी में जानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अननोन फेसेस में जीरो जीरो फेसेस है। मेरा ये रीजन एनालिसिस का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ फेसेस है मुझे जिनको डिफाइन करना है कैविटी साइड से कोर साइड में डालना है। मैंने F9 की दबाया और जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा वायर फ्रेम करके लेता हूँ, अभी सिलेक्शन इजी हो जाएगा, मुझे पता चलेगा। और जस्ट यहाँ पे इन, तो यहाँ पे मुझे कुछ फेसेस है जिनको कवर करना है कोर साइड में, क्योंकि काफी छोटी छोटी फेसेस है। मैं सिलेक्ट करूंगा एक एक तो बहुत टाइम जाएगा और वीडियो भी लंबा बनेगा। तो मैंने विंडो सिलेक्शन किया, बट एट द सेम टाइम कुछ फेसेस जो कैविटी रीजन की होनी चाहिए वो कोर रीजन में आ गए, तो मैं उनको वापस सिलेक्ट करता हूँ। इसकी 1, 2, 3, 4 और 5 फेसेस है, इसको मैं कैविटी में डिफाइन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन है। ये अगर मैं यहाँ से स्प्लिट नहीं करता तो मेरा पार्टिंग सरफेस डिफिकल्ट बन जाता। तो अभी 678 फेसेस है कैविटी में, 2071 फेसेस है कोर में। यहाँ पे रीजन एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एक बार मैं सेव करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो ऐसा ना हो कि कुछ गलत जगह पे एरर आ जाएगा तो मेरा जो भी काम किया है वो निकल जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो 30 मिनट्स तक हो सकता है, आप पूरा देखिए तभी आपको आगे का समझ में आएगा। आप अगर बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है आपको कुछ स्टेप पता नहीं चलेगी। अभी हम लोग रीजन एनालिसिस के बाद रीजन डेफिनेशन यूज करेंगे। रीजन डेफिनेशन में हम लोगों को सॉफ्टवेयर कोर और कैविटी सरफेस अलग करके देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोर स्प्लिट फेस वाली कमांड तक हम लोगों ने काम किया, इसके आगे कोई हिस्ट्री नहीं है। जब मैं रीजन डेफिनेशन ऑन करता हूँ, ये पार्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो कोर एंड कैविटी रीजन के जो भी फेसेस है मुझे सॉफ्टवेयर की हेल्प की वजह से कुछ एक ही क्लिक में मिल जाते हैं, कुछ ही सेकंड में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि पार्ट हाइड किया, यहाँ पे पार्टिंग लाइन आया है ग्रीन कलर में, देन ये कैविटी रीजन है और यह है कोर रीजन। अभी ये काम आप अगर मैन्युअली करना चाहो तो इसमें बहुत बड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है
पैच का काम है कि जहां भी कोर कैविटी का रीजन मीट होता है वहां कुछ विंडोज है तो उसमें पार्टिंग सर्किट बनेगा। तो मैं यूज करूंगा यहां से पैच ऑप्शन, मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया है और इतनी सारी जगह पे 14 प्लेसेस पे मुझे इसको पैच करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वाला मेरा पैच है इस ये प्लेस पे, ये मुझे एक्सेप्ट है तो मुझे इसको जस्ट गलती से मैंने डिलीट कर दिया, वापस पैच में जाऊंगा, पार्ट को सिलेक्ट किया, ये वाला फर्स्ट पैच। प्रीव्यू अगर आप पूरा पैच का देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इस पूरे एरिया में आपको सॉफ्टवेयर पैच करके देगा। अगर ये एक्सेप्टेड है तो आप ओके करो, तो यहाँ ओके कर देते हैं, क्योंकि ये सब मैन्युअली करेंगे तो बहुत सारा टाइम जाता है। देखिए यहाँ देर आर 15 इनर पार्टिंग एजेस लुक पैच 0 आर लेफ्ट, यानी कि सब हो गए है। अगर कोई पेंडिंग भी रहते तो सॉफ्टवेयर आपको अवेयर कर देता है। ये जो पैच है इसका कलर थोड़ा अलग आया है, ये जरा रिवर्स फेस बन गया, तो मुझे यहाँ फ्री फ्रॉम में जाके इस फेस को पकड़ के रिवर्स डायरेक्शन करना है, ताकि वो भी सब दूसरे पैच के डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ थोड़ी टेंजेंसी थी, तो सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद उसके लिए जो टेंजेंसी वाला पार्टिंग सर्फेस था वो बना दिया। यहाँ एक रिवर्स है, अब सही है। आप अगर पार्ट हाइड करते हो यहाँ से तो ये आपको पैचेस दिख जाएंगे। अगर आप पैच के लिए कुछ अलग कलर प्लान करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो पैच भी क्रिएट हो गया, फिर एक बार सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस एक कॉम्प्लेक्स मेथड है और मैन्युअली अगर पार्टिंग सरफेस डिजाइन करते हैं तो काफी टाइम जाता है। अभी आप देख सकते हो 70 मिनट्स में काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने कोर कैविटी एनालिसिस कर लिया, रीजन सेपरेट कर लिया और इसमें पैचेस भी लगा दिए। अभी हम लोग जाएंगे पार्टिंग सरफेस में, यहाँ ऑटो पार्टिंग करके ऑप्शन है, तो मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया ऑटो पार्टिंग आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एक क्लिक में ऑटो पार्टिंग बन गया है। और अभी आपको ये सब मैन्युअली करना है तो आप कुछ जानते हैं कि कितना टाइम लग सकता है आपको ये बनाने के लिए। अगर इसमें से अगर कुछ आपको पार्टिंग सरफेस में डाउट्स है तो आप हाथ से भी बना सकते हो अलग से, जैसे कि यही एरिया है यहाँ पे हम लोगों को ये पार्टिंग सरफेस एक्सेप्टेड नहीं हो सकता, हम लोग देखेंगे इसको। जैसे कि मैं फर्स्ट में इसको ओके कर देता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये पार्टिंग सरफेस हम लोग यूज करें। अभी वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन सी एरिया में पार्टिंग सरफेस सही नहीं है। तो एक ये एरिया आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें पार्टिंग सरफेस सही नहीं है, मुझे कुछ अलग एक्सपेक्टेड था। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ इरेस ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे जो भी फेसेस आपको नहीं चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। और जस्ट डिलीट कर दीजिए। एक ये रीजन मैंने डिलीट किया, दूसरा रीजन हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ ये सही नहीं है। यहाँ पे ड्राफ्टी कम है, हम लोग इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट इधर से ही है, तो हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया है। यहाँ पे रेडेस है और ये सरफेस भी हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, हम लोग इसको जरा चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी सरफेसेस सही है और हम लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं है।
अगर कॉर्नर एरिया में आपको अलग से एक ही सिंगल सरफेस बनाना है तो हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं, बट ये सरफेस सही है। फिर भी मैं आपको यहाँ एक सरफेस बना के दिखाऊंगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सेम वी विल डू फॉर अपोजिट डायरेक्शन। और फिर वापस हम लोगों को यहाँ पे ये सरफेसेस नहीं चाहिए, हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले कॉर्नर वाले सरफेसेस बनाएंगे। इसमें आप अगर मैन्युअली सरफेस बनाना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो देखिए एक्सट्रूड एजेस बाय रेल, ये है मेरा पार्टिंग लाइन। ठीक है, और ये है मेरा फर्स्ट पाथ, ये है मेरा सेकंड पाथ। तो ये सरफेस आई थिंक सही है। अभी ये सरफेस हम लोग बनाएंगे तो ऐड किधर करना है, पार्टिंग सरफेस पे ऐड करना है तो ऐड पार्टिंग सरफेस एट्रीब्यूट्स आप अप्लाई कीजिए। ये हो गया दूसरा जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में हम लोग सेम मेथड से जाएंगे और पार्टिंग सरफेस ये मैंने सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट ये वाला एज सेकेंडरी एज। ये तो देखिए कितना स्मूथ और आपके हिसाब से पार्टिंग बन रहा है। अगर ये ऐसे कुछ रिवर्स सरफेस बन जाता है तो आपको यहाँ पार्टिंग सरफेस रिवर्स करने के लिए ऑप्शन है, फ्री फ्रॉम में रिवर्स डायरेक्शन करके उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे कर्व मेश ऑप्शन। ये ऑप्शन में हम लोगों को एक साथ सिलेक्शन करने के लिए फ्रीडम है। ये मेरा दूसरा सेगमेंट है अपोजिट डायरेक्शन से। इसको इन कर लिया और ये मेरा गाइड है, इसको इन कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन ओके। दो सरफेसेस को मुझे रिवर्स करना है, ये रिवर्स हो गए। तो इस एरिया का भी मेरा जो भी पार्टिंग सरफेस बनाने का काम था। फ्रेंड्स, जो भी सरफेसेस हम लोग मैन्युअली बनाते हैं उसको आपको यहाँ सेगमेंट पार्टिंग सरफेस में जाकर, सॉरी पार्टिंग सरफेस एट्रीब्यूट में जाकर मेंशन करना है कि ये सरफेस हम लोगों ने बनाया इसको कहाँ डालना है। ये मुझे डालना है पार्टिंग फेस में, तो मैंने असाइन टू पार्टिंग फेस के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी वो पार्टिंग फेस मेंशन हो गया। अभी सही सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन गलत हो रहा था तो अभी ड्राइव कर और ये आपको सिलेक्ट करना होगा। प्रोफाइल नीचे है तो ये ओके हो गया, ओके कर दिया। नेक्स्ट है ये साइड का, तो सेम सिलेक्शन करेंगे, ये रहा ड्राइव कर और इसमें प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप इंसर्ट कर लिस्ट डाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल
थोड़ा सेंटर में कट करना है, इंसर्ट डेटम प्लेन ऑप्शन सिलेक्ट करके जो साइड आपको रखना है उसमें आप एरो कर दो। फ्रेंड्स मैं पार्ट ऑन करने जा रहा हूं और यहां पे कुछ ऐसा पार्टिंग सरफेस बनेगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हो किस तरीके से हम लोग यहाँ पार्टिंग बना रहे हैं। आपको ये फ्री फ्रॉम जो भी ऑप्शंस है जो एडवांस सर्विसिंग है उसका यूज करना है। -13 degree जिन आपको इसको ट्रिम करना है।
तो इस जगह पे भी मैंने पार्टिंग सरफेस डिजाइन कर लिया है, तो भी मुझे वापस जाना है मोड में और डिफाइन करना है कि कौन से फेसेस है जो मैं एज अ पार्टिंग मेंशन करना चाहता हूँ, एडिट पार्टिंग फेस एट्रीब्यूट्स। यहाँ पार्टिंग फेस का कलर मेंशन करते हो और यहाँ से स्पॉटिंग वाले एरिया का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पार्टिंग सरफेस रेडी है और पैचेस रेडी है। आपको वर्कपीस डिफाइन करना है, ये मेरा वर्क पीस सही रहेगा फोर कैविटी में। इसको अब मैं सेव कर लूंगा, ट्रिम कर लूंगा। क्लिक ऑन ट्रिम, सिलेक्ट कोर एंड कैविटी, क्लिक ओके। यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड कोर एंड कैविटी विद द हेल्प ऑफ पार्टिंग टूल। तो फ्रेंड्स, ये था मोल्ड विजार्ड यूज करने का मेथड ZW3D में। इस ट्यूटोरियल के बारे में आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा।